नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदर नगर सभा में अनियमितता और भ्रष्टाचार के चलना का आरोप। बीदर MIM ने सर्दी के चलते स्कूल के समय को बदलने का प्रशासन से किया आग्रह। कर्नाटका में चुनावी धोखाधड़ी को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग में याचिका दायर की। बीजेपी ने कर्नाटका के लिए नए सोशल मीडिया प्रमुख की नियुक्ति की। कर्नाटका कांग्रेस को सिद्धरामैया मुनियप्पा सहित 1350 विधानसभा टिकट आवेदन प्राप्त हुए। रॉबर्ट वाड्रा और बेटे रेहान के साथ पहली बार भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई प्रियंका, भाई राहुल का बढ़ाया हौसला। श्रद्धा हत्याकांड लव जिहाद का केस नहीं, सियासी रोटी सेकते हैं बीजेपी, बोले असदुद्दीन ओवैसी। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। बीदर नगरसभा के चुनाव हुए लगभग 18 महीने से अधिक हो चुके हैं, लेकिन अभी तक नगरसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है। हालांकि राज्य और नगरसभा और नगर निगम है जहां की स्थिति बीदर जैसी बनी हुई है। नगरसभा में काउंसिल का गठन नहीं होने से कार्यालय में अधिकारी और कर्मियों की मनमानी चल रही है। नगरसभा एक ऐसा कार्यालय है जहां हर किसी को किसी न किसी काम से जाना पड़ता है। शहर में सड़कों, लाइट, नालियां और कचरा सहित घर का खाता, जन्म और मरण प्रमाण पत्र जैसे कामों के लिए लोग नगरसभा कार्यालय पहुंचते हैं, जहां खुलेआम रिश्वत चल रही है। किसी भी काम के लिए कार्यालय में रिश्वत देना पड़ता है। इस बात को नगरसभा के पूर्व काउंसलर सैयद मंसूद खादरी ने भी अपने एक बयान में उल्लेख किया है। तो सवाल यह उठता है कि क्या नगरसभा पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी है? क्या लोगों का काम पैसे देने पर ही हो रहा है? इन सभी के चलते सवाल यह उठता है कि नगरसभा आयुक्त के होते हुए यह सब नगरसभा में हो रहा है तो वह क्या कर रहे हैं? क्या उनकी जानकारी में यह सब नहीं है या फिर वो आंखें बंद किए हुए हैं? जो भी हो, इस सब से लोगों को नुकसान और परेशानी उठानी पड़ रही है। नगरसभा आयुक्त को इस मामले को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर कार्यालय में यह अनियमितता क्यों चल रही है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। सर्दी के इस मौसम में अब जब सर्दी अधिक बढ़ गई है और सुबह के समय शीतलहर और कोहरा छाया रहने से स्कूली बच्चों को कठिनाई हो रही है और वह सर्दी के शिकार भी हो रहे हैं। इसको देखते हुए AIMIM बीदर सिटी के अध्यक्ष आतिफ अशर ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर प्रशासन से आग्रह किया है कि स्कूल के समय को सुबह 8 या 9 बजे के बजाय 10 बजे से किया जाता है तो स्कूली बच्चों को सहूलत होगी और उनके स्वास्थ्य पर भी असर नहीं पड़ेगा। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। कांग्रेस ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया और मुख्यमंत्री बसवराज बोमई के खिलाफ बेशर्म चुनावी धोखाधड़ी के एक मामले में कार्रवाई की मांग की, जिसके द्वारा मतदाताओं के डेटा को एक निजी संस्था और 27 लाख लोगों के नाम एकत्र करने और संग्रहित करने की अनुमति दी गई थी। चुनाव परिणाम को प्रभावित करने के लिए मतदाता सूची से डाटा हटा दिए गए थे। बोमई BBMP के अधिकारियों और राज्य सरकार के साथ साथ निजी संस्थाओं के सक्रिय मिलीभगत और आशीर्वाद के साथ कर्नाटका में एक निर्लज्ज चुनावी धोखाधड़ी हुई है। प्रतिनिधिमंडल द्वारा सौंपा गया ज्ञापन, जिसमें नेता प्रियांक खरगे, नजीर अहमद शामिल थे। सत्तारूढ़ भाजपा ने अपने युवा मोर्चा के कार्यकर्ता विकास पुतूर को चुनावी कर्नाटका में पार्टी के सोशल मीडिया प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। 37 वर्षीय विकास कर्नाटका में सिर्फ 6 महीने दूर चुनाव के 7 बड़े जूते में कदम रखेंगे और सोशल मीडिया एक ऐसा युद्ध क्षेत्र होगा जहां वोट जीते जाते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटिल ने विकास को नियुक्त किया है, जो दक्षिण कन्नड़ जिले से आते हैं। कटिल भी उसी जिले से आते हैं। मुझे काफी चुनौती की उम्मीद है। हमारे पास मौजूदा बुनियादी ढांचा है, जिसे और अधिक सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है। अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री रखने वाले विकास ने बताया, विकास ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा युवा मोर्चा के सचिव के रूप में कार्य किया है। वह दक्षिण कन्नड़ में भाजपा के प्रवक्ता भी थे। विपक्ष के नेता सिद्धरामैया और पूर्व केंद्रीय मंत्री KH मुनियप्पा सहित कांग्रेस में 1350 उम्मीदवारों द्वारा जमा किए गए विधानसभा टिकट आवेदनों की इस शुक्रवार को होने वाली बैठक में जांच की जाएगी। सिद्धरामैया और मुनियप्पा दोनों ने अपने आवेदनों में निर्वाचन क्षेत्र के कॉलम को खाली छोड़ दिया है। यह तय करने के लिए पार्टी के आलाकमान को छोड़ दिया है कि उन्हें कहां से चुनाव लड़ना चाहिए। AICC महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो कर्नाटका में पार्टी के मामलों की देखरेख करते हैं,
वर्थुर के पास एक निजी रिसोर्ट में बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सूत्रों के मुताबिक चित्रदुर्ग के पूर्व सांसद बीएन चंद्रप्पा ने भी निर्वाचन क्षेत्र का उल्लेख किए बिना आवेदन किया है। पार्टी के मुदुगेरे विधायक एमपी कुमार स्वामी ने भाजपा के भीतर सब ठीक नहीं होने का संकेत देते हुए गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र पर शिष्टाचार के लिए मुझ पर जांच नहीं करने के लिए निशाना साधा। पत्रकारों से बात करते हुए कुमार स्वामी ने कहा कि ज्ञानेंद्र ने हाल ही में उनके निर्वाचन क्षेत्र में उनके साथ मारपीट किए जाने का दावा करने के बाद भी उन्हें फोन करने की जहमत नहीं उठाई। उन्होंने कहा, लोग मुझ पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे और यह कोई छोटी घटना नहीं थी। हालांकि मैं एक निर्वाचित प्रतिनिधि हूं। ज्ञानेंद्र ने मुझे शिष्टाचार के लिए फोन नहीं किया और अगर यह एक निर्वाचित प्रतिनिधि के लिए इलाज है तो राज्य में आम आदमी की स्थिति की कल्पना करें। उन्होंने आगे कहा कि गृह मंत्री ने उनकी उपेक्षा की क्योंकि वह अनुसूचित जाति के हैं। उन्होंने कहा, भूल जाइए कि मैं विधायक हूँ। गृह मंत्री मुझे अपना सहयोगी भी नहीं मानते थे और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं दलित हूँ। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहाँ पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बिदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बिदर, कॉन्टेक्ट नंबर 9880040334। बिदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बिदर में एक शानदार 3-स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बिदर में अब 3-स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं, क्वालिटी भी अच्छा है। And the prices are normal. It is not
मिठाई एंड ऑल। ಬೀದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಸಾಥ್ ಹಿ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಬೀದರ್ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಫುಲ್ ಸೈಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಔರ್ ಸಸ್ಯ ನಾಮ ಸೇ ವೆಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕೆ ಅಲಾವಾ ಬಾರ್ ಜಿಮ್ ಸ್ವಿಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ 1500 ಲೋಗೋ ಕೆ ಲಿಯೆ ಓಪನ್ ಲಾನ್ 100 ಲೋಗೋ ಕೆ ಲಿಯೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಹಾಲ್ ಮೌಜೂದ್ ಹೈ और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालवे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है, सभी रीजनेबल हैं यहाँ पर रेट्स वगैरह। याद रखिए वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहां के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मेलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशन होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और है कि हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो जो चाहिए आपको फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए इच्छा। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, चलिए देखते हैं देश और विदेश के अन्य समाचार। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में आज प्रियंका गांधी वाड्रा भी भाई राहुल का साथ देती नजर आई। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश मामलों की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अपने पति और बेटे के साथ पहली बार इस यात्रा में शामिल हुई। राहुल जब पदयात्रा पर निकलते हैं तो सड़क के दोनों ओर पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा के लिए रस्सियों का सुरक्षा घेरा बनाकर साथ चलते हैं। प्रियंका के यात्रा में शामिल होने के बाद कांग्रेस के उत्साहित कार्यकर्ता भाई बहन के समर्थन में नारेबाजी करते हुए उनके करीब आने की बार बार कोशिश करते दिखाई दिए। श्रद्धा हत्याकांड मामले में AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि श्रद्धा हत्याकांड लव जिहाद का केस नहीं है, बीजेपी इसे धर्म के एंगल से देखती है। उन्होंने कहा कि असम के CM हेमंत बिस्वा सरमा ने गुजरात में श्रद्धा हत्याकांड के मामले में दिए जाने वाले जनसभाओं के बयान पर ऐतराज जताया, जहां ओवैसी ने इसे लव जिहाद का रूप देने पर नाखुशी जताई। वहीं भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने श्रद्धा हत्याकांड के केस को लव जिहाद कहा है। गुजरात में श्रद्धा मर्डर केस राजनीतिक मुद्दा बन गया है। इसी राजनीतिक बयानों के बीच AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस हत्याकांड को मजहबी रंग दिया जा रहा है। ओवैसी ने कहा कि यह लव जिहाद का मामला नहीं बल्कि एक महिला पर जुल्म और उसकी हत्या का मामला है। हम इसे इसी नजरिए से देखते हैं। यदि इसे मजहब का चश्मा लगाकर देखते हैं तो यह नाइंसाफी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त के तौर पर अरुण गोयल की नियुक्ति के लिए अपनाई गई प्रक्रिया पर गुरुवार को गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि उनकी फाइल को जल्दबाजी में मंजूरी दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गोयल की नियुक्ति से जुड़ी फाइल को बहुत तेजी से पारित कर दिया गया है। वहीं इस मामले में केंद्र ने अटॉर्नी जनरल R. वेंकटरमनी के जरिए अदालत से थोड़ा रुकने के लिए कहा और मामले पर विस्तार पूर्वक गौर करने का अनुरोध किया। जस्टिस KM जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा, यह किस तरह का मूल्यांकन है, हम अरुण गोयल की योग्यता पर नहीं बल्कि प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। टॉप लॉ अधिकार ने पीठ से कहा, कृपया थोड़ा रुकिए, मैं आपसे विस्तार पूर्वक मामले पर गौर करने की अपील करता हूं। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के बुधवार को दिए गए निर्देश के अनुसार पीठ के समक्ष चुनाव आयुक्त के तौर पर गोयल की नियुक्ति की मूल फाइल पेश की, जिस पर न्यायालय ने गौर किया।
पीठ ने कहा कि 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी गोयल ने एक ही दिन में सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। एक ही दिन में कानून मंत्रालय ने उनकी फाइल पारित कर दी। चार नामों की सूची प्रधानमंत्री के समक्ष पेश की गई और गोयल के नाम को 24 घंटे के भीतर राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई। पीठ चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसी व्यवस्था बनाने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी जानकारियां हासिल करने में लोगों की मदद के लिए शीर्ष अदालत का आरटीआई पोर्टल गुरुवार को शुरू हो गया है। प्रधान न्यायाधीश ने एक याचिका पर सुनवाई की शुरुआत में कहा था कि पोर्टल जल्द शुरू हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा, मामले की सुनवाई शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि आरटीआई पोर्टल तैयार है, वह 15 मिनट में शुरू हो जाएगा। अगर कोई समस्या आती है तो थोड़ा संयम रखें। अगर कोई समस्या आए तो मुझसे संपर्क करें, मैं उस पर गौर करूंगा। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली एक पीठ विवि छात्रों आकृति अग्रवाल और लक्ष्य पुरोहित द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें शीर्ष अदालत में आरटीआई आवेदन ऑनलाइन दाखिल करने के लिए एक पोर्टल शुरू करने का अनुरोध किया गया। पीठ में जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस जेबी पारदीवाल भी शामिल हैं। तुर्की के उत्तर पश्चिम हिस्से में बुधवार सुबह 5.9 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे कुछ इमारतों को नुकसान पहुंचा और दहशत फैल गई। करीब 68 लोग घायल हुए हैं। इनमें से ज्यादातर लोग भूकंप के दौरान घरों से बाहर भागते हुए घायल हुए। सरकार द्वारा संचालित आपदा एवं आपातकालीन प्रबंधन प्रेसिडेंसी ने बताया कि भूकंप का केंद्र इस्तांबुल से करीब 200 किलोमीटर पूर्व स्थित डुज्से प्रांत के गोलकाया शहर में था। सुबह 4:08 पर आए भूकंप के झटके इस्तांबुल, राजधानी अंकारा और देश के अन्य हिस्सों में भी महसूस किए गए। भूकंप के बाद दर्जनों हल्के झटके महसूस किए गए, जिनमें एक की तीव्रता 4.3 थी। एक नज़र फिल्मों के समाचारों पर। तापसी पन्नू की ब्लर ओटीटी पर होगी रिलीज, पोस्टर के साथ अनाउंस हुई डेट। अब समाचार खेल जगत के। पुर्तगाल और घाना के बीच होने वाले फीफा वर्ल्ड कप मुकाबले से ठीक पहले स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 2 मैचों के लिए बैन करने के साथ उन पर जुर्माना भी लगाया गया। आखिर में समाचार बाजार के। रेस्टोरेंट मल्टीप्लेक्स से खाने पीने के सामान खरीदने पर चुकाना ही होगा ज्यादा पैसा, सरकार ने दिए अहम जानकारी। फिर से एक नज़र मुख्य समाचारों पर। बीदर नगर सभा में अनियमितता और भ्रष्टाचार के चलना का आरोप। बीदर MIM ने सर्दी के चलते स्कूल के समय को बदलने का प्रशासन से किया आग्रह। कर्नाटक में चुनावी धोखाधड़ी को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग में याचिका दायर की। बीजेपी ने कर्नाटक के लिए नए सोशल मीडिया प्रमुख की नियुक्ति की। कर्नाटक कांग्रेस को सिद्धरामैया मुनियप्पा सहित 1,350 विधानसभा टिकट आवेदन प्राप्त हुए। रॉबर्ट वाड्रा और बेटे रेहान के साथ पहली बार भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई प्रियंका, भाई राहुल का बढ़ाया हौसला। श्रद्धा हत्याकांड लव जिहाद का केस नहीं, सियासी रोटी सेकते हैं बीजेपी, बोले असदुद्दीन ओवैसी। KP News के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।